जी हाँ, तो बात संगीत सोम के चुभने वाले बयान की, कौन सी बात कब कही गई है, इसके खास मायने होते हैं। यही वजह है कि संगीत सोम के बयान पर चौतरफा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम अपनी बातों पर कायम है, वो ये मानने को तैयार नहीं कि कुछ भी विवादित बात कही है। संगीत सोम की पूरी सफाई आज मैं आपको सीधे सीधे सुनाने वाला हूं, उससे पहले उनके चुभने वाले बयान आपको जरूर सुनने चाहिए। ये बयान बेहद कड़वे हैं, लेकिन किसी मुद्दे के विश्लेषण के लिए जरूरी है कि उसके हर पक्ष को आपके सामने रखा जाए। जब हम लोग जाएंगे तो देखेंगे वहाँ पर स्वास्तिक बना हुआ है, वहाँ पर भगवान की मूर्ति बनी हुई है। आप जानते हैं कि जब वहाँ लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा, आप भी जानते हैं कि सुधार में नहीं होगा। ज्ञानवापी की बाबरी मस्जिद से तुलना, बानवे में बाबरी, 22 में ज्ञानवापी वाला बयान। गलत क्या है इसमें? आक्रांताओं ने जो ये मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिदें बनाई थी, अगर उनका सर्वेक्षण होके वो दोबारा से अपने असली रूप में मंदिर आ रहे हैं तो इसमें दिक्कत क्या है? यही मैंने बोला है और यही लिखा है। मस्जिद परिसर के सर्वे पर सबसे भड़काऊ बोल। हम जानते हैं कि जब अधिकारी कोर्ट के आदेश पर जो गए हैं, जब अंदर जाएंगे तो वो देखेंगे वहाँ तो स्वास्तिक बना हुआ है, वहाँ तो भगवान की मूर्ति लगी हुई है। आप जानते हैं कि जब बाहर लोगों को ये पता लगेगा तो क्या होगा, आप भी जानते हैं जो बाण में नहीं हुआ वो 22 में होगा। ज्ञानवापी के असली रूप वाले बयान का क्या मतलब? पर राम लला का मंदिर अयोध्या में तेजी से बन रहा है, आप चिंता मत करो, ज्ञानवापी का भी असली रूप जल्दी सामने। संगीत सोम की सीधी चेतावनी। शाहीन बाग बचेगा ना बचेगी ज्ञानवापी मस्जिद। ये मस्जिद है ही नहीं, मंदिर हुआ करता था, दीवारें चुनकर उसे मस्जिद का रूप दे दिया गया। जब मामला कोर्ट में तो भड़काऊ भाषण क्यों? मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ दोस्तों कि रामलला मंदिर में आए हैं और रामलला मंदिर में आए हैं, एक लड़ाई खत्म हुई है, अब बाबा विश्वनाथ की बारी है। कोर्ट की लड़ाई पर भड़काऊ अंगड़ाई। दलील के दंगल में चिंगारी का क्या काम? बात तो चुभेगी।